आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी आरु भाग 2 के अंतर्गत पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं। जैसे कि इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था काव्य खंड, और उसके पहले जो मैंने रचना पढ़ाई थी वो आज हम उसकी दूसरी रचना को पढ़ेंगे, बात सीधी थी पर। और ये दोनों ही रचनाएं जो है वो कुंवर नारायण जी की। चलिए आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला दिया है बात सीधी थी पर। तो यहाँ पर कवि कुंवर नारायण पर दूसरी कविता, पहले हम पढ़ चुके हैं दूसरी कविता बात सीधी थी पर, उनके काव्य संग्रह कोई दूसरा नहीं सुदृत है। इस कविता में कवि का कहना है कि कवि को सीधी बात कहने के लिए सीधे सरल और सुग्राह शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। घुमा फिरा कर बात करने अथवा सही शब्दों का चयन न होने की स्थिति में भाषा अत्यंत क्लिष्ट हो जाती है। कवि कहता है कि भाषा के प्रदर्शन के लालच में बात का जो तथ्य उलझने लगता है और उलझाओं से बाहर निकलने के फेर में कवि जितने भी हाथ पाए मारता है क्लिष्टता तथा जटिलता बढ़ने लगती है। फलस्वरूप बात का जो प्रभाव है वो क्या होता है, नष्ट हो जाता है। कवि तथा कविता का जो मूल स्वरूप ही क्या है, बिगड़ जाता है। कवि के अनुसार जिस प्रकार हर पैंच शब्द आए ना, पैंच का अपना एक खांचा होता है और उसे धैर्य पूर्वक उस खांचे में चूड़ी दर चूड़ी कसना होता है। यदि पैंच कसने वाला अधीनता दिखाए तो चूड़ी कटने का डर बना रहता है। यदि झुंझला कर उस पैंच को ऊपर से जबरदस्ती हो दिया जाए तो पैंच बाहर से तो ठीक ठाक दिखता किंतु अंदर से ना तो उसमें कसाव होता है और ना ही कोई शक्ति। इसी प्रकार भाषा में भी हर बात कहने के लिए कुछ निश्चित शब्द होते हैं। यदि उन शब्दों का बुद्धिमानी एवं धैर्य के साथ चयन न किया जाए तो बात बिगड़ते देर नहीं लगती। कवि का कहना है, कवि कहता है कि अक्सर त्रुटिपूर्ण लिखी गई भाषा स्वयं अपने वाले से पूछती है कि क्या तुमने अभी तक भाषा का सही उपयोग करने का कौशल प्राप्त नहीं किया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आज सबसे पहली जो कविता है वह है बात सीधी थी पर। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई, उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। शब्दार्थ सीधी सरल सहज उग्रा टेढ़ी फंसना बुरा फंसना पेचीदा यानी जटिल कठिन या मूल संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ पुस्तक आरोह में संकलित कविता बात सीधी थी पर से अवतरित है। रचयिता कुंवर नारायण जी हैं और प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने तथ्य के प्रभावी अभिव्यक्ति के लिए सभी शब्दों के चयन भाषा के सहज होने की बात कही। व्याख्या कवि कहता है कि मैं अपने पाठकों से सीधी सरल बात शब्दों में कहना चाहता था किंतु भाषाई कौशल के अनावश्यक प्रदर्शन की चाह बुरी तरह बिगड़ गई। इस क्रम में मैं भाषा संबंधी विशेषता उसके लालित को तो लाने में सफल रहा किंतु बात का मूल मर्म कहीं खो गया। सीधी सरल बात भाषा की क्लिष्टता में कहीं फंस गई। ऐसे में मैंने बात के स्वभाव को सरलता से व्यक्त करने के प्रयास में भाषा के स्थान पर नाना प्रकार के प्रयोग किए। शब्दों वाक्यांशों मुहावरों वाक्यों व्याकरण इत्यादि में परिवर्तन करके मैंने भाषा के चक्रों से बाहर निकलने की तमाम कोशिशें की ताकि बात बन जाए किंतु सब क्या ही बेकार हो गया। बात को पुनः बनाने के चक्कर में मैंने भाषा के साथ फिर से छेड़छाड़ की, कई शब्दों को बदला कई वाक्यों को काटा छाटा तो इधर-उधर घुमाया है ना, किंतु परिणाम ठीक ठाक जटिलता पर रंग दिया है। कवि ने चमत्कार शब्दावली के लालच में बात की सरलता गुम होने की बात कही है। उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा घुमाया जैसे शब्दों का सटीक प्रयोग है। साथ साथ में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार और अनुप्रास अलंकार की दृष्टांत भी है।
अनुप्रास अलंकार की दृष्टा भी है, मुहावरों का प्रयोग सही लिया। आइए आगे पढ़ते हैं। दूसरा है, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चोरी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। चलिए आइए पढ़ते हैं इसके व्याख्या शब्दार्थ। मुश्किल यानी कठिनाई, समस्या धैर्य धीरज, पैच यहाँ दिया हुआ देखे चूड़ीदार की घुमाव चक्कर उलझन, बेतरह बेतरती गलत ढंग से जबरदस्ती, कर्तव्य कार्य साफ स्पष्ट, तमाशबी तमाशा देखने वाले, दूरदर्शक शाबाशी बाहवाही, प्रोत्साहन प्रीत भोगना, आखिरकार अंत में चूड़ी मरना, एक बात बिगड़ना या कार्य खराब होना। संदर्भ जैसे की पहले पूर्वक में आपको बता चुके हैं। प्रस्तुत अंक में कवि ने पेंच के उदाहरण से भाषा को सुधारने के प्रयास में बात बिगड़ने की बात कही। व्याख्या, कवि कहता है कि एक बार जब बात भाषा के चक्रव्यूह में फंस गई तो सन्निकट संकट को अधीन होकर वैसे ही सुलझाना चाहा जैसे कि किसी पेंच को धैर्य के साथ खोलने के स्थान पर बेतरतीब कसते चले जाए। पेंच चूड़ी के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि जब कभी खांचे में पेंच फंस जाता है तो ध्यानपूर्वक उसे पहले थोड़ा खोलना चाहिए, फिर चूड़ी तक चूड़ी सावधानी से कसना चाहिए। इसके विपरीत भाषा के खांचे में बुरी तरह उलझे बात रूपी पेंच को कवि ने आनंद आनंद में जबरदस्ती कसने की कोशिश की, क्योंकि कवि द्वारा भाषा के साथ किए जा रहे जबरदस्ती प्रयोगों पर उसके सुनने वालों ने बिना तथ्य को समझे कवि की जटिल शब्दावली शब्दावंडा पर झूठी वाहवाही की है। जो शब्दांबर है ना, उस पर झूठी वाहवाही की है। अपनी झूठी प्रशंसा से वशीभूत कवि अपनी भाषा से उसी प्रकार छेड़छाड़ करता चला गया जैसे जैसे पैंच को बिना खांचे की चूड़ियों का ध्यान रखे जबरदस्ती कसने का प्रयास किया गया। अंत में वही हुआ जिसकी आशंका थी। भाषा के साथ हड़बड़ी में अत्यधिक प्रयोग करने से बात रूपी जो चूड़ी क्या हो गई, यहाँ चूड़ी से अर्थ है बात रूपी चूड़ी, खराब हो गई। अब वह भाषा रूपी खांचे में बिना कसावट के स्वतंत्र ही क्या हो गई, घूमने लगी। तात्पर्य यह है कि भाषा को जटिलता से उबारने के प्रयास में के प्रयास जैसे जैसे किए गए बात और उलझती चली गई, अंत में भाव भाषा और बात सब कुछ कठिन और दूर हो गए। काव्य सौंदर्य समझिए, भाषा के साथ हड़बड़ी में की गई छेड़छाड़ के परिणाम अक्सर बुरे निकलते हैं। विपरीत स्थिति में कवि धैर्यपूर्वक कार्य करने की बात कहता है। भाई धैर्यता से कार्य लेना चाहिए ताकि बात बने बिगड़े नहीं। फिर कवियों को झूठी प्रशंसा और खोखली वाहवाही से बचने की क्या दी है, सलाह दी गई है। तमाशबीन एवं कर्तक जैसे शब्दों में छिपा व्यंग अत्यधिक गहरा है। फिर है कि पैच बार बार पुनरुक्त अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और अनुप्रास अनुप्रास अलंकार भी विद्यमान है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे दिया है तीसरा, हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक और अंदर से ना तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। चलिए आइए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। शब्दार्थ, हार कर ठक्कर झुटलाकर कसाव खिंचाव, पकड़ कर पकड़ या कसने का भाव, ताकत शक्ति सामर्थ, सहूलियत यानी सहजता सुविधा सरलता, बरतना प्रयोग करना व्यवहार में लाना। चलिए इसके बाद संदर्भ जैसे कि मैंने बताया प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने भाषा की दुरुपयोग से बात के निष्प्रभावी होने की बात कही। व्याख्या, अंत में जब कवि अपनी बात को भाषा की जटिलता से नहीं निकाल पाया
तो उसने बुरी तरह झुंझलाकर अपनी कविता को वैसा ही क्या किया, छोड़ दिया। जब कभी अपनी बात को भाषा की जटिलता से नहीं निकाल पाया तो उसने बुरी तरह झुंझलाकर अपनी कविता को वैसा ही क्या किया, छोड़ दिया। जैसे खांसी में ठीक प्रकार से पहचना दस पाने की स्थिति में हड़बड़ाहट बढ़ती, उसे तीर के समान हथौड़े से क्या कर देता, ठोक देता। इससे पेंच खांसी में समा तो जाता है किंतु किसी भी प्रकार का कोई कसाव अथवा ताकत शेष नहीं रहती। ऊपर से यद्यपि वह ठीक प्रकार से लगा प्रतीत होता है, ठीक वैसे ही कवि की कविता भाषा के मकड़ जाल में फंसकर ऊपर से तो कविता प्रतीत होती थी किंतु उसमें भावों को अभिव्यक्त करने की क्षमता नहीं थी और ना ही कथ्य की सहजता ही थी। कुल मिलाकर कविता प्रभावहीन हो गई। अंत में जब कवि थक कर चूर हो गया और अपने माथे का पसीना पोंछने लगा तब भाषा ने एक शरारती और नटखट बच्चे की तरह से छेड़ते हुए पूछा कि क्या तुमने अभी तक भाषा को सुविधा अनुसार सरल एवं सहज तरीके से व्यवहार में लाना नहीं है, मतलब उसको व्यवहार में लाना नहीं आया क्या? वास्तव में कवि को अपनी गलती की अनुभूति हो चुकी थी क्योंकि क्यों नहीं उसने चमत्कारिक भाषा के लालच को त्याग कर भाषा की सहजता को बनाया। काव्य सौंदर्य कवि का मानना है कि भाषा में अनावश्यक चमत्कार के लालच में उसकी सहजता एवं सरलता से समझौता नहीं करना चाहिए। दूसरा, कवि ने कविताओं की क्लिष्ट एवं आडंबरपूर्ण भाषा का पर्याप्त तरीके प्रहार किए हैं, बात का मानकीकरण किया गया है और तीर की तरह यानी शरारती बच्चे की तरह जैसे वाक्यांशों में उपमा अलंकार का जो उपमा अलंकार है वह दुष्टभ्य है और अनुप्रास एवं रूपक अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। आगे पढ़ते हैं। आगे आप देखिए प्रश्न उत्तर में सबसे पहला जो प्रश्न है वह है कि इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। अब उत्तर, सब घर एक कर देने के माने से आशय है कि सभी को एक समान समझना, जिस प्रकार बच्चे खेलते समय अपना पराया इसका उसका सभी का घर अपना समझते हैं और साधुकार खेलते होते, उसी प्रकार एक कवि ने भी अपने पराये जाति धर्म वर्ण रंग रूप पंथ छोटा बड़ा निर्धन धनवान मेरा तेरा इत्यादि सर्वोचित विचारों को परे रखकर अलग रखकर सभी को एक समान समझते हुए अपनी बात कहता है। वह अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज देश की प्रत्येक इकाई का प्रतिनिधित्व करता है और उसकी समस्याओं कठिनाइयों को अपने स्तर देता है। कवि की दृष्टि में सभी उसके अपने होते हैं, वह सदैव संपूर्ण समाज की बात करते हैं। प्रश्न दूसरा, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। कविता का उड़ने से गहरा संबंध है। चिड़िया सहित सभी पंछी अपने परों के सहारे ऊंची उड़ाने भरते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरलता से पहुंच जाते हैं। कविता भी चिड़िया की तरह उड़ान भरती है, उसकी उड़ान चिड़िया की उड़ान से कहीं ऊंची और कहीं व्यापक होती है। कवि अपनी कविता में कल्पना की उड़ान से अनंत यात्रा करता है। चिड़ियों को भी कभी न कभी थककर आपको धरती पर लौटना होता है, जबकि कविता की उड़ान चिरस्थायी होती है। वह तो अपने आने वाली पीढ़ियों तक अपना प्रभाव मतलब क्या है छोड़ती है। और कहा गया है जहाँ न पहुंचे रवि वहाँ पहुंचे कवि। उड़ने के साथ साथ कविता खिलने से भी गहरा नाता है, जिस प्रकार कोई पुष्प खिलकर अपनी आभा से न सिर्फ देखने वाले को आनंदित करता है अपने सुगंध भी चारों ओर दिशाओं में फैलाता है, ठीक उसी प्रकार कविता प्रसन्नता हर्ष खिलखिलाहट इत्यादि अनिवार्य गुण पाए जाते हैं। वही भी फूल की तरह रसिक श्रोताओं को आनंद अनुभव कराती है। वास्तव में फूल तो कुछ दिनों में मुरझाकर अपनी सुगंध खो देता है किंतु कविता खिलने से उत्पन्न संस्कार की सुगंध सनातन होती है। इस प्रकार कह सकते हैं कि कविता में उड़ने और खिलने जैसे शाश्वत गुण विद्यमान होते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। जिस प्रकार कोई बालक अपनी बाल सुलभ प्रवृत्ति के चलते खेलते समय अपने पराये भुलाकर आसपास की सभी चीजों पर अपना अधिकार जताता, उसी प्रकार कवि भी अपनी कविता के माध्यम से समाज विद्वान सही प्रकार के भेदभाव संकुल मानसिकता को दूर रखते हुए सभी का प्रतिनिधित्व करता है। और वास्तव में बच्चे और कविता दोनों में क्रीड़ा कौशल का क्रीड़ा को तो अंतर्निहित होते हैं। जहाँ एक और बच्चे खेल खेल में अपनी एक अलग दुनिया में खो जाते हैं, वहीं दूसरी ओर कवि अपनी कविता में कल्पना के सहारे दूसरे संसार में विचरण करता। एक कवि अपने आनंद के लिए कविता लिखता है, वैसे ही बच्चे स्वयं के मनोरंजन के लिए कीड़ा यानी खेलते हैं। साथ ही बच्चे अपनी पूर्व पीढ़ियों के साथ उनके बाहर भी होते हैं, उसी प्रकार एक अच्छी कविता भी अपने संस्कारों से आने वाली नई पीढ़ियों को प्रभावित करती। कहा गया है कि शब्द
सदैव यात्रा करते। इस प्रकार यह कविता और बच्चे दोनों पुराने मूल्यों को वर्तमान के यथार्थ में तपाकर, प्रकार कविता बच्चे दोनों पुराने मूल्यों को वर्तमान के यथार्थ में तपकर भविष्य की पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। अतः दोनों ही समानांतर जो है रखा जा सकता है, दोनों को ही समानांतर रखा जा सकता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। फिर है कविता के संदर्भ बिना मुरझाए बैठने के मानी क्या है। कविता की तुलना किससे है, फूल से करते हुए कवि कहता है कि अपनी सुगंध के लिए प्रसिद्ध फूल क्षणभंगुर होता है, वह अपनी सुंदरता से सभी को लुभाता है, उसकी सुगंध सभी को आनंद प्रदान करती है, किंतु कुछ समय में वो मुरझाना होता है। ऐसे में उसकी आवाज सुगंध दोनों समाप्त हो जाती है। दूसरे और कविता एक ऐसा पुष्प है जो एक बार सृजित होने के बाद अनंत काल तक अपने भावों संस्कारों की महत्व श्रोताओं को आनंदित करता है। ब्याह बिना मुरझाए सदैव महती रहती है और कविता सनातन होती है, चिरस्थायी होती है। हजार वर्ष पूर्व लिखी हुई कविताओं का आनंद आज भी हम उठा सकते हैं। इस प्रकार वर्तमान की कविताओं की सुगंध से आने वाली सैकड़ों पीढ़ियां चिरकाल तक लाभान्वित हो सकती है। भाषा को सहूलियत के बरतने के अभिप्राय क्या अभिप्राय है, तो उत्तर है भाषा को सहूलियत बरतने से आते हैं। कृष्णा तक भावों के अनुरूप ही सरल सहज सुग्राम शब्दावली का प्रयोग करें। अनावश्यक आडंबर गुण शब्दावली तथ्य के प्रभाव को कम करती है। इससे कविता अपने उद्देश्य भटक जाती है और कवि कहना चाहता है कि किसी भी रचनाकार द्वारा सीधी सरल शब्दों में लिखी होना चाहिए, मतलब जो भी बात है वो सीधी सरल होनी चाहिए ताकि आम व्यक्ति भी उस शब्दों को सरलता समझ सके। क्लिष्ट भाषा के दुष्चक्र में फंसे बिना कवि को सरल कम शब्दों में अपनी बात अपने श्रोता पाठकों तक पहुंचानी चाहिए। चलिए आप आता है यहाँ पे बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी आती है। उत्तर है जब कभी हमें अपने भाव दूसरों को अभिव्यक्त करने होते हैं तो हमें भाषा की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में हम सरल सह शब्द वाली भाषा का प्रयोग करके अपनी बात कहते हैं तो वह संपूर्ण भाव सही सुनने वाले सरलता से मन में आती है। वास्तव में भाषा परस्पर इतनी घनिष्ठता से जुड़े होते हैं कि उनको पृथक पृथक करके समझना कठिन है, किंतु कई बार अत्यधिक साहित्यिक भाषा को अपनाने के चक्कर में जब हम अनावश्यक गुण शब्दावली का प्रयोग करते हैं तो सीधी सरल बात भी क्या है बिगड़ जाती है। ऐसी दुरूह शब्दावली के प्रयोग से अत्यधिक सरल बात भी कठिन हो जाती है। ऐसे में कहीं कई बार भाषा के दुष्चक्र में फंसता प्रभाव भी हो जाती है और कभी कभी तो उसका पूरा मूल भाव ही बदल जाता है। रचनाकार को यह भली भांति समझना चाहिए कि प्रत्येक शब्द का अपना एक विशिष्ट अर्थ होता है और कभी कभी तो एक से लगने वाले पर्यायवाची शब्दों का गलत प्रयोग भी बात के भाव को बिगाड़ देता है। अतः सदैव सीधी बात को कहने के लिए सीधे सरल और व्यवहार में प्रयोग होने वाले शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अब आता है प्रश्न, बात तथ्य के लिए नीचे दिए विशेषताओं को उचित विभावों से मिलान करें। जैसे दे दिया है बेमुहावरा और विशेषता, है ना। सबसे पहले बात की चूड़ी मर जाना, तो क्या आएगा इसमें, बात का प्रभाव ही हो जाना। फिर है बात की दूसरा दिया है बात की पैंच खोलना, बात की पैंच खोलना, बात को सहज और स्पष्ट करना, ठीक है। फिर है बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना, तो बड़ा यानी बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना तो बात का पकड़ में ना आना, ठीक है। फिर है पैंच को कील की तरह ठोक देना, पैंच को कील की तरह ठोकता है यानी बात में कसावट ना हो, ठीक है। फिर है बात का बन जाना, बात का बन जाना यानी तत्व और भाषा का सही सामंजस्य बने। चलिए और है बात से जुड़े कई मुहावरे प्रचलित हैं, कुछ मुहावरों का प्रयोग करते हुए लिखे। जैसे बात शब्द से जुड़े कई मुहावरे समाज प्रचलित हैं, जैसे कुछ तत्व नीचे दिए जा रहे हैं, मुहावरों के साथ उनके अर्थ एवं पाठ प्रयोग भी दिए गए। जैसे बेस से पैर की बात करना, व्यर्थ की बातें करना, दहेज तो जब देखो तब बेस से पैर की बात करता है। दूसरा बात ही बात में तुरंत तभी तत्काल, बात की बात में उसने तमंचा निकाल लिया, बात तक ना पूछना आदर ना करना, बुजुर्ग प्रथा की घर में कोई बात तक नहीं पूछता। फिर है बातें बनाना बहाना करना, तुम्हें बातें बनाने से फुर्सत करना, बात ना बढ़ाना बात बढ़ाना यानी बहस चढ़ना, किसी चीज की बहस करना है, देखो बात बढ़ने से कोई फायदा नहीं, बात खुलना यानी रहस्य खुलना, फिर कल सबके सामने शशि की बात खुले। इस प्रकार कथित बात से जुड़े कई मुहावरे प्रचलित हैं, बात को गांठ में बांधना, बात का धनी, बात की बात पर बात चलाना, बात पर न जाना, बात रहना,
बातों में उड़ाना, बातों बात भी जाना इत्यादि शब्द। इस प्रकार यहाँ पर मैंने आपको जो ये मैंने आपको यहाँ पर काव्यखंड की रचनाओं को पढ़ाया और समझाया। आप लोग भी इसको पढ़ेंगे और समझेंगे और कॉपी में अपने नोट करेंगे, लिखेंगे और परीक्षा की तैयारी करेंगे। धन्यवाद बच्चों।